हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 5 में हम आपको भूगोल की शाखाओं में मानव भूगोल के बारे में अध्ययन कराएंगे, बताएंगे। इससे पहले कल आपको भूगोल की शाखाओं में भौतिक भूगोल के बारे में बताया गया था। आशा है कि आपने अच्छी तरह से उसको देखा होगा, समझा होगा। पूरी वीडियो देख करके आपने भलीभांति उसको परखा भी होगा। तो आज हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल। देखिए, मानव भूगोल का अध्ययन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो वीडियोस आपके पास जाती हैं उन्हें आप पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें और हर एक वीडियो को समझने के लिए उसको पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इससे आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, उससे आपको और ज़्यादा लाभ होगा। तो ये देखते हैं मानव भूगोल। देखिए, मानव भूगोल भूगोल की दूसरी विस्तृत एवं महत्वपूर्ण शाखा है। बच्चों, इसमें मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों तथा उनसे उत्पन्न भूस्थलाकृतियों, मानव उत्पत्ति, उसकी प्रजातियों, आर्थिक क्रियाओं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन आसानी से किया जाता है। इस मानव भूगोल की भी भौतिक भूगोल की तरह कई उपशाखाएं हैं जो निम्नवत हैं। तो ये देखें, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है ऐतिहासिक भूगोल। देखिए, मानव भूगोल की इस शाखा में प्राचीन देशों का उद्भव, विकास, उन देशों की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक दशाओं के परिवर्तनों में भौगोलिक प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है, अर्थात अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके आगे दूसरा है आर्थिक भूगोल। देखिए, आर्थिक भूगोल में मृदा अर्थात मिट्टी, जल, जैव तत्व, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों, आखेट जानते हैं बच्चों किसे कहते हैं? आखेट कहते हैं शिकार करने को। मत्स्य आखेट कहते हैं मछली। पशुपालन, संचार, व्यापार आदि आर्थिक क्रिया तथा अन्य आर्थिक पक्षों, संगठनों के अध्ययन को शामिल किया जाता है। ठीक है, तीसरा है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले मनुष्य के सामाजिक वर्गों, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संगठनों आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। एक है आपके आगे सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों में सांस्कृतिक जो प्रतिरूप होते हैं, धार्मिक विश्वास, क्योंकि हर एक देश में रहने वाले लोगों के जो धार्मिक विश्वास होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनके जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, भाषा जो होती है, वो सब बिल्कुल अलग होती हैं। अर्थात हम इस सांस्कृतिक भूगोल में इन सभी का अध्ययन विस्तृत रूप से करते हैं। देखिए, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में विभिन्न देशों की सीमा, विस्तार, सुरक्षा अधिकार, सरकार, साम्राज्य, राष्ट्र संघ और सीमा विवाद, इसके भी अलावा बहुत ऐसी चीज़ें हैं, इन सभी का अध्ययन राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। एक है आपका बस्ती भूगोल। देखिए, ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती भूगोल इसी की उपशाखाएं हैं। बस्ती भूगोल में विभिन्न प्रकार के मानव अधिवासों की उत्पत्ति तथा उनके उद्भव, विकास, प्रकार एवं कार्यों का अध्ययन विस्तृत रूप में किया जाता है। एक है आपका जनसंख्या भूगोल। देखिए, इसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर जनसंख्या के वितरण, पीछे आपको बताया गया था पृथ्वी के जनसंख्या के वितरण के बारे में, जो कि असमान होता है, सब जगह एक जैसा नहीं है, तो उसका वितरण, जनसंख्या वृद्धि और इसमें ह्रास, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, ये सारी चीजें आपको पीछे बता दी गई हैं पिछले चैप्टर में। इसके अलावा
जनसंख्या, संसाधन संबंध, प्रवास और विभिन्न जनांकी की विशेषताओं एवं जनसंख्या नीतियों का अध्ययन विस्तृत रूप में किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों, ये आपके मानव भूगोल की कुछ उपशाखाएं हैं जिनका हम अध्ययन मानव भूगोल में विस्तृत रूप में करते हैं। तो आज इतना ही, आगे कल आपको भूगोल के क्रमबद्ध जो उपागम हैं उसके बारे में अध्ययन कराया जाएगा। आशा है कि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने नोट्स में इनको उतारेंगे करेंगे। धन्यवाद।